जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। जुम्मा मुबारक आपको भी। जुम्मा मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। अच्छा भाई, आपसे एक छोटी सी बात पूछनी थी कि जुम्मे का दिन कैसा दिन है? जी जी ज़रूर भाई, बताएंगे आपको। जुम्मे का दिन दिनों का सरदार है और बहुत ही अफजल दिन है। भाई इस दिन क्या करना चाहिए? भाई इस दिन दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए, गुसल करना चाहिए, पाक और साफ लिबास पहनना चाहिए, मसवाक करना चाहिए और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप जुम्मे के दिन करें। और ज़रूरी नहीं कि जुम्मे के दिन, अल्लाह पाक के सारे दिन अफजल हैं, लेकिन जुम्मे के दिनों को ये स्पेशलिटी, ये खसूसियत हासिल है कि वो दिनों का सरदार है। जी भाई बहुत फरमाया आपने। भाई कुछ ऐसा वजीफा बताए ना जो जुम्मे के दिन बहुत ही अफजल हो और उसका दो गुना सवाब हो। जी ज़रूर मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ के सुनाता हूँ जो कि उन्होंने जुम्मे की मुनासबत से फरमाया है। जो मुझ पर शब जुम्मा और रोज़े जुम्मा 100 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह अज़्वजल उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 आहरत की और 30 दुनिया की। सुबहानअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखा भाई आपने कि जुम्मे की कितनी बरकत है, कितनी फजीलत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के इवज 100 हाजतें पूरी होंगी। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, आप अच्छे हैं, आपकी हुस्न नज़र है कि आपने हमें टाइम दिया। चले भाई छोड़ें, कोई बात नहीं। अब जो ऑडियंस हमारी देख रही है, मैं उनसे पूछूंगा कि कैसा रहा आपका वीडियो के साथ एक्सपीरियंस। और हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक, और मिलते हैं नई वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।